आप इसके ऊपर पानी डालो, बिल्कुल पानी नीचे नहीं जाएगा। कैसे भी बारिश का पानी आए, पिछले वीडियो में लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे कि इसमें बारिश का पानी तो नहीं जाता, तो ये फैन को सेट करेंगे तो इसके नीचे आप देख सकते हैं एक प्लस का निशान बना हुआ है। ये अगर इसको कटिंग नहीं करेंगे तो ये पूरा नीचे जाके फिट नहीं आएगा, इसे इसके लिए ये वाली कटिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, क्या आप भी अपने घर की छत पे ये वेंटिलेटर फैन लगाना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। वेंटिलेटर फैन कितने रुपए का आता है, क्या घर पे लगा सकते हैं? मेरे पीछे आप देख रहे हैं गोदाम है, तो वहाँ पे सामने घूम रहे हैं वेंटिलेटर फैन लगे हुए हैं। हम इसे घर की छत पे भी लगा सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है? और बहुत सारे लोगों का पिछले वीडियो में सवाल था कि इसके अंदर पानी तो नहीं जाएगा, तो पानी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर बारिश का पानी नहीं जाता है। जब जैसे भी किसी भी एंगल से पानी डाल लो, इसके अंदर पानी घर के अंदर नीचे नहीं जाएगा, ये मैं शुरू से ही क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर बारिश का पानी बिल्कुल भी जाने की गुंजाइश नहीं है। इसे आप घर की छत पर इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मौली सिंह, आप देख रहे हैं SS फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स। ये वेंटिलेटर फैन है और ये कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आप इसके नीचे का ढांचा देख सकते हैं और ये इसके ऊपर लग जाएगा। इसको अभी स्क्रू से सेट करेंगे, मैं आपको सेट करके पूरा कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा इसी वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वेंटिलेटर फैन बिजली से चलता है, तो आप देख सकते हैं इस पर किसी तरह की कोई वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये अपने आप चल रहा है, इसमें कोई मोटर नहीं है। इसको हवा ज़ोर से लगेगी तो ज़ोर से चलेगा, धीरे धीरे हवा मिलेगी तो धीरे धीरे चलेगा। ये बहुत ही हल्का होता है वज़न में, तो आप भी अपने घर की छत पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे हम इस फ्रेम के ऊपर लगाएंगे, इसको फाइबर शीट को कट करके, और स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आगे मैं सबसे पहले हम नीचे जाके घर के अंदर जाके आपको नीचे से दिखाता हूँ। वहाँ पे हम एक फ़ैन लगा रहे हैं, एडजस्ट फैन। वो एडजस्ट फैन लगाने के बाद इसे ऊपर इंस्टॉल करेंगे। एडजस्ट फैन क्यों लगाना है वो भी मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ। दोस्तों, हम आ गए हैं घर के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जाल रखा हुआ है, एक इधर है और एक इधर है। तो इन दोनों के ऊपर वैसे तो लगाने का विचार था, लेकिन फ़िलहाल एक के ऊपर ही वेंटिलेटर फ़ैन लगाएंगे। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या कामयाब होता है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैवल्स का हमारे पास एक वेंटिलेटर BB ये फैन है, हैवी ड्यूटी मोटर विद डबल बॉल बैरिंग। तो स्पीड 1400 RPM, ठीक है, 2 ईयर गारंटी है। और ये वाला जो फ़ैन है, ये हमने ऑनलाइन मंगवाया था अमेजन से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हैवल्स के फ़ैन का, ठीक है। ये अमेजन से आपको मिल जाएगा, प्राइस मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अभी ये कुछ इस तरह का फ़ैन आता है, तो इसमें हमने कुछ चेंजेस करने हैं। इसको, इस फ़ैन को ऊपर फिटिंग करना है, तो कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाई स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले ये फ़ैन के जो ये सुराख है, ये वाले, इनको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। और हमारे पास है ये कुछ नट बोल्ट है, ये 10 इंच का बोल्ट है और इसके साथ हमने 24 नट लिए हुए हैं। तो इनके साथ इसकी सेटिंग करेंगे पंखे की। तो सबसे पहले हमें इनके जो होल है ये वाले, ये खुले करने पड़ेंगे, और ये एक तार है, इस तार को लंबी करना पड़ेगा ताकि इसको पावर दे सके। और नीचे जाल के नीचे इसको फिट करेंगे, बिल्कुल एकदम फिक्स कर देंगे ताकि ये अंदर की जो हवा है वो बाहर निकाल पाए। अभी मैं अंदर बैठा हुआ हूँ और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पसीने छूट रहे हैं। तो ये लगाने के बाद शायद कुछ मौसम में फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और इसके ऊपर वेंटिलेटर फैन लगेगा जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है।
हमने इसमें चारों सुराख जो होल थे उनको लूज कर दिया है और अब ये हमारे जो बोल्ट है इनको इसमें लगाएंगे। यहाँ पे इस बोल्ट को हमने टाइट कर दिया, इसके ऊपर एक और हमने नट लगा के और इसको यहाँ पे और लॉक कर दिया। ये अब यहाँ से नहीं हिलेगा, अभी ऐसे ही इन चारों को सेट करना है, ऐसे ही चारों को सेट करना है। तो हमने ये नट बोल्ट इसमें एडजस्ट पैन में लगा दिए हैं यहाँ पे, और ये हम ऊपर की साइड में 1.5 इंच जगह छोड़ेंगे, ये जहाँ पे कि ये एक पत्ती नीचे से आएगी और बीच में जाल का सरिया आएगा और ऊपर से एक पत्ती आएगी और ऊपर से दो बोल्ट लग जाएंगे, दो ऊपर से टाइट हो जाएंगे, ये फैन हवा में लटक जाएगा बढ़िया तरीके से। तो इसके लिए हमने यहाँ पे नीचे से यहाँ से एक वाशर लगाई है और बोल्ट डाला है चारों साइड में ऐसे ही है, और इसे हमने यहाँ पे लॉक कर देना है 1.5 इंच जगह छोड़ के। ये फित्ता मार के हमने टेप से 1.5 इंच कर लिया है और अब इसको लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया, ऐसे ही सभी को लॉक कर देंगे। हो गए सारे चेक कर, ये चार पत्तियां जाल के नीचे लगेंगी, मतलब इसके ऊपर लगेंगी, यहाँ पे चार पत्तियां यहाँ पे लगेंगी और ऐसी ही चार पत्तियां हमारे पास और है। तो एक और काम है, ये चार पत्तियां ऊपर से लगेंगी और इसके अंदर ये बोल्ट लग जाएंगे और ऊपर से डबल बोल्ट लगा के इसको टाइट कर देना है ताकि आने वाले समय में ये लूज होके किसी तरह की कोई वाइब्रेशन की वजह से खुले ना, कोई दिक्कत ना आए। तो ये वाली पत्तियाँ ये हमने वर्कशॉप पे तैयार करी है, 10 mm का होल मारा है जिससे कि इसके अंदर आसानी से आ जाए। तो दोस्तों हम ये एडजस्ट फैन फिटिंग कर रहे हैं, रेडी हो गया है। तो बिल्कुल आराम है। तो दोस्तों ये हमारा एडजस्ट फैन फिटिंग हो गया है, अभी इसको टाइट करना है, बोल्ट सारे टाइट करने वाले हैं, हम ऊपर जाके सेटिंग करेंगे और टाइट करेंगे, उसके बाद ये एडजस्ट फैन मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा एडजस्ट फैन लग चुका है, अभी हमने बोल्ट टाइट नहीं किए, अभी हम ये वेंटिलेटर फैन जो है इसके ऊपर रख के चेक करेंगे कि अभी आप देख सकते हैं कैसे घूम रहा है और ये चलने के बाद कैसे घूमेगा, वो घूमेगा देखने के बाद पता चलेगा। ये हमने कर दिया वेंटिलेटर को इसके ऊपर और अभी वैसे ये सही पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि चलाने से, एडजस्ट फैन चलाने से इसे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तक एडजस्ट फैन ऑन नहीं हुआ है, जैसे ही ऑन होगा मुझे लगता है ये जो वेंटिलेटर फैन है ये ज़ोर से घूमेगा इसकी वजह से। दोस्तों वैसे तो घर के अंदर जो हमने वेंटिलेटर फ़ैन हैवल्स का लगाया है उसके बगैर भी ये चलता रहता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा वेंटिलेशन करना है, ज़्यादा गर्म हवा बाहर निकालनी है, तो उसके लिए आपको नीचे से फ़ैन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे भी चलता रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कम स्पीड में चलेगा, अगर वेंटिलेटर फ़ैन अलग से लगा देंगे बिजली से चलने वाला तो ज़्यादा स्पीड में चलेगा।
तो दोस्तों हमने सेट कर लिया है ये हमारा वेंटिलेटर फैन और ये इसके नीचे वाला ढांचा। ये जो फाइबर ग्लास शीट है इसको हम बीच में से कटिंग कर देंगे ताकि ये हमारा जो वेंटिलेटर का नीचे वाला जो ढांचा है ये बढ़िया तरीके से यहाँ पे आ जाए। और अगर आपके पास ऐसा बना हुआ नहीं है तो आपको ऐसा नया बनाना पड़ेगा, इसको आप थोड़ा हाइट भी दे सकते हैं। दोस्तों इस फाइबर शीट को हमने यहाँ से कटिंग कर लिया बीच बीच में से और ये जो शीट है इसे ऐसे उठाएंगे, ऐसे उठा के और हमारी ये वाली शीट इसके नीचे आ जाएगी ये वाली शीट। तो ये वेंटिलेटर फैन जो है ये कोई कोई तो इस तरह का बनावट इस तरह की होती है कि यहाँ पे फिट आ जाता है, लेकिन इसमें इसकी फिटिंग यहाँ पे आएगी तो इसमें यहाँ पे कट मारने पड़ेंगे जैसे हमने मारे हैं यहाँ पे कट। कोई कोई वेंटिलेटर फैन इसके साइज का बना होता है जो कि इस किनारी के ऊपर चढ़ जाता है ऐसे और यहाँ पे स्क्रू लग जाते हैं जो हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। ये जो वेंटिलेटर फैन है ये अलग डिज़ाइन का है, ये इसके अंदर पत्ती आएगी और यहाँ पे स्क्रू लगेंगे इस पे, यहाँ पे नहीं रुकेगा यहाँ पे आएगा ये। तो आपको अभी मैं लगा के दिखा दूँगा। फिलहाल हमें ये शीट काटनी पड़ रही है क्योंकि शीट बड़ी है तो शीट को आगे से और पीछे से दोनों साइडों से 5-5 इंच कटिंग कर रहे हैं। ये जो ढांचा है ये आता है 5.5 फिट लंबाई 66 इंच, इसका साइज होता है 5.5 बाई 3.5। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये डबल बोल्ट लगा दिए हैं इसके ऊपर ताकि आने वाले समय में ये लूज ना हो पाए और इसको यहाँ से हम टाइट कर देंगे, पूरा टाइट कर देंगे। क्योंकि पंखा चलेगा तो हल्की फुल्की वाइब्रेशन करेगा। अभी फिटिंग के समय जितना टाइट हो गया हो गया, बाद में फिर किसी का ध्यान नहीं जाएगा इस तरफ। बाकी जहाँ भी आप फिटिंग करें पार्टी को घर के जो मालिक हैं उनको बोलें कि समय समय पर ये नट बोल्ट जो है हल्के फुल्के टाइट करने पड़ेंगे आपको अगर लूज हुए तो। वैसे तो हम इसका पक्का इंतजाम कर रहे हैं कि लूज ना हो। यहाँ पे हमने वाशल की जगह पे ये पत्ती यूज की है ताकि अच्छी तरह से पकड़ हो जाए, वाशल इसके गैप के अंदर से निकल सकती थी इसलिए हमने यहाँ पे ये पत्ती यूज की है। ये हो गए सारे टाइट। अभी बोल रहा हूँ आज अभी हम ये जो ढांचा है इसके ऊपर ये फैन को सेट करेंगे। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं एक प्लस का निशान बना हुआ है ये, अगर इसको कटिंग नहीं करेंगे तो ये पूरा नीचे जाके फिट नहीं आएगा, इसे इसके लिए ये वाली कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये पंखे को बहुत ही ध्यान से बहुत ही आराम से आपको फिटिंग करना पड़ता है। तो ये है हमारे पास सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू, 20 mm के 1.5 इंच के स्क्रू है, मार्केट में 1 रुपये का एक मिल जाता है। और अब हमें यहाँ पे 8 स्क्रू लगाने हैं तो हम स्क्रू लगाने की शुरुआत कर रहे हैं। ये जो कट आप देख रहे हैं यहाँ तक शीट है तो हम इसके सेंटर में स्क्रू लगाएंगे।
तो दोस्तों हमने 8 स्क्रू इसके ऊपर लगा दिए, बाकी इन स्क्रू का कुछ ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ इसको हिलने से रोकने का है। इन स्क्रू की ज़्यादा मजबूती भी नहीं है, इस चीज़ को आपको समझना है। ये शीट है स्टील की और इसके अंदर पॉलीकार्बोनेट शीट में ये स्क्रू टाइट किए गए हैं। अगर आप ड्रिल मशीन से इसको ज़्यादा घुमाएंगे तो ये सारे स्क्रू फ्री हो जाएंगे, इनको बहुत ही ध्यान से टाइट करना है। हम ये स्क्रू टाइट करने के लिए ये वाली आईबेल की कोर्डलेस ड्रिल मशीन यूज कर रहे हैं। इसका मैंने कंप्लीट रिव्यू किया हुआ है, आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो जब भी ये स्क्रू टाइट करने हैं तो बहुत ही ध्यान से, ज़्यादा इसको नहीं घुमाना है, ज़्यादा घुमाएंगे तो ये फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई मेटल का सीम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अंदर की साइड में पॉलीकार्बोनेट शीट है। ज़्यादा घुमाने से ये फ्री हो जाएंगे, फिर काम नहीं करेंगे, आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो ये हमारा फिट हो गया, अभी ये वेंटिलेटर हमारा फिटिंग हो गया है, अब इसको यहाँ पे सेट करेंगे। पहले से हमने एडजस्ट फैन को फिट कर दिया है, अभी इसे सही ठिकाने पे लेके चलेंगे। तो ये हमारा आ गया, ये शीट ऊपर आ गई। तो दोस्तों हमारा वेंटिलेटर फैन फिटिंग हो गया है, अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे घूम रहा है, नीचे एडजस्ट फैन लगा हुआ है, जैसे ही उसको चालू करेंगे ये जोर से घूमेगा और घर की अंदर की सारी गर्मी ये निकालता रहेगा। अभी यहाँ पे हमने जो स्क्रू लगाने हैं ये वाले 2 इंच लंबे, मार्केट में 3 रुपये का मिल जाता है। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका प्राइस और इंस्टॉलेशन चार्ज सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों हमारा वेंटिलेटर फैन फिटिंग हो चुका है, बिल्कुल काम कंप्लीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ़ ड्रिलिंग स्क्रू लगा दिए हैं, पीछे भी सेल्फ़ ड्रिलिंग स्क्रू लगा दिए हैं और अभी ये धीरे धीरे घूम रहा है। जैसा कि आपको पता है नीचे से हमने एक एडजस्ट फैन इसके नीचे लगाया है और ये उस एडजस्ट फैन के ऊपर पानी भी नहीं गिरने देगा, यहाँ से जैसे मर्जी आप इसके ऊपर पानी डालो बिल्कुल पानी नीचे नहीं जाएगा, कैसे भी बारिश का पानी आए। पिछले वीडियो में लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे कि इसमें बारिश का पानी तो नहीं जाता, तो इसमें बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है। और अभी नीचे से एक जो एडजस्ट फैन लगाया हुआ है वो चालू हो गया है, अभी धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी। और एडजस्ट फैन इसलिए लगाया है ताकि जो गर्म हवा है वो निकले, और ये ऊपर से इसलिए लगाया है कि एडजस्ट फैन के ऊपर पानी ना गिरे। और इसका फ़ायदा ये है, एक तो गर्म हवा निकलती रहेगी घर की और दूसरा रोशनी आएगी और बारिश का पानी बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ऐसे में नीचे से एडजस्ट फैन लगा देंगे ऊपर ये नहीं लगाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है एडजस्ट फैन लगाने का। तो दोस्तों तो जो नीचे एडजस्ट फैन लगाया है वो 2000 रुपये का है और ये ऊपर वाला पूरा कम्प्लीट टर्बो लाइट का वेंटिलेटर फैन है, 24 इंच का, 24 इंच का टर्बो लाइट का, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट है। ये 4500 रुपये का आया है, 24 इंच जो साइज है वो इसका होता है, ये अंदर वाले कड़े का, ऊपर का 24 इंच नहीं है, ऊपर का साइज अलग है। अगर यहाँ पे खड़े होते तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी हवा लगती है इसके पास आने से, जो नीचे से एडजस्ट फैन लगा हुआ है वो हवा फेंक रहा है। ये 4500 रुपये का, 2000 रुपये का एडजस्ट फैन, 1000 रुपये इसकी इंस्टॉलेशन है सारे काम की, तो कुल मिला के 7500 रुपये में ये फिटिंग हो गया, जिसमें कि ये फ्रेम और ये शीटें ये पहले से फिटिंग हुई पड़ी थी। अगर इस ऐसा ही कंप्लीट बनाना होगा तो लगभग 10000 रुपये टोटल कॉस्ट आएगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा
और घर के अंदर बिल्कुल भी पानी जाने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे हमने एक बाल्टी पानी पहले से इसके ऊपर डाल दिया है, अब भी मैं आपके सामने यहाँ पे पानी डाल रहा हूँ, कोई भी पानी अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं से भी पानी नहीं जाने वाला इसके अंदर। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मेटल फैब्रिकेशन से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मैं हर रविवार रात को 9 बजे लाइव आता हूँ। आपका कोई सवाल सुझाव या अनुभव हो तो आप मेरे साथ आके साझा कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी molisingh1986 है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों ये हमारा वेंटिलेटर फैन और फैन के नीचे एडजस्ट फैन फिटिंग हो गया है, और इसकी वजह से जो ये वाइट शीट है इसकी वजह से घर के अंदर अच्छी खासी रोशनी आ रही है। इसकी बजाय अगर हम देखें जो दूसरा हमारा जाल है इसी तरह का, ये हमने एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं, अगर ये कामयाब होगा तो यहाँ पे भी जहाँ पे आप ग्रीन शीट लगी हुई देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ये आने वाले समय में लगा सकते हैं। तो ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन लाइट आ रही है और वहाँ पर जो एक्चुअल जो लाइट है, जो वाइट रोशनी है वो यहाँ पे आ रही है, और धूप का इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिर्फ रोशनी आएगी, एकदम बढ़िया रोशनी। और ऊपर वेंटिलेटर फैन लगा हुआ और नीचे एडजस्ट फैन लगा हुआ है। तो ये सीन रहेगा, आगे देखते हैं।